हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोहम्मद रियाज। आई एम फिजिक्स फैकल्टी ऑफ एआर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्लास 11 फिजिक्स का जो नया चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें हमारा चल रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती है जिन्हें किन्हीं डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जा सके, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे आप किसी रोड की लेंथ को मेजर कर सकते हो, रोड के मास को मेजर कर सकते हो, किसी टाइम को मेजर कर सकते हो, या किसी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हो, किसी वोल्ट मीटर को आप वोल्ट मीटर की हेल्प से आप वोल्टेज को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंटेड डिवाइस के द्वारा, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, या फिर ऐसे कह दो कि फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन काम में ली जाती है वह कौन सी इक्वेशन होती है, पी क्यू। पी क्यू का मतलब हो गया फिजिकल क्वांटिटीज इज इक्वल टू होता है एन इंटू यू। एन को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यू को बोलते हैं यूनिट। अब एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की डेफिनेशन भी एग्जाम में कभी कभार पूछी जाती है। तो सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, संख्यात्मक मान। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, दैट्स सॉल्व। ये होता है इसका, कोई भी यूनिट है उस यूनिट से नंबर कितना टाइम्स है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और यूनिट क्या होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो फिक्स वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। कहने का मतलब इट इज कॉन्स्टेंट, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड। ठीक है, वैल्यू किसके लिए, टू मेजर करने के लिए, किसे मेजर करने के लिए, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो फिक्स्ड वैल्यू बनाई गई है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज या फिर एनी फिजिकल क्वांटिटीज। ये हो गई यूनिट्स की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, रोड की लेंथ है, उसे आप मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, फुट में मेजर कर सकते हो। तो ये सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फुट, ये सभी क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक फिक्स्ड क्या है, वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जो हमें यह बताती है कि इस रोड की लेंथ कितनी है। तो इन चीजों को अपन कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, कोई भी यूनिट उस यूनिट से कितना नंबर ऑफ टाइम्स है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट है, अपन ने दो ऑब्जेक्ट क्या किए हैं, कंसीडर किए हैं। लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ठीक है, और ए का जो मास है वो बी के मास से 150 टाइम्स है। जो ए का मास है, लिखेंगे अपन मास ऑफ ए जो है वह है 150 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, जो ए का मास है वो बी के ऑब्जेक्ट के मास से 150 टाइम्स है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे,
मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 150 इनटू मास ऑफ बी, ये लिखेंगे ठीक है। अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने कितना मान लिया, m1 मान लिया। फॉर एग्जाम्पल ये 150 आपकी जगह पड़ा है, साथ में क्या है kg, क्योंकि मास kg में अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ में कौन है, मास ऑफ बी, वो मैंने कितना माना है, m2 माना है। तो यहां पे जो मास ज्ञात किया गया है a का, वो किसके बेस पे ज्ञात किया गया है, m2 पे। और m2 के मास की यूनिट क्या है, kg, कितना टाइम्स है 150। तो इसको आप क्या कह दोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको आप क्या कह दोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू कह दोगे। तो ये तो हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी हो गई 150। और जो a का मास है वो किसमें मेजर किया गया है, केजी में। किसमें किया गया है, केजी में। तो केजी यहाँ पे एक फिक्स्ड या कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई, जिसको आप क्या कह सकते हो, यूनिट कह सकते हो। और केजी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है, मास को। मास कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज मास को मेजर किया गया केजी में, तो केजी क्या कहलाएगी, यहां पे यूनिट कहलाएगी। तो ये एक यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में एक डिफरेंस होता है। कल हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।